ग्रामीणों द्वारा स्वयं ही सुसुआ नदी पर स्थायी पुल बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर शुगर मिल के प्रशासनिक अधिकारी व ईडी दिनेश प्रताप सिंह ने अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने के लिए दिया। इससे पहले भी गौशाला में पशु चारे के लिए ये अधिकारी अपना वेतन दे चुके हैं। बुल्लावाला गांव के लोग सुसुआ नदी में रास्ता बनाए जाने को लेकर प्रशासन के दर्जनों चक्कर काट चुके हैं, जिसको लेकर उप जिला अधिकारी ने इस मार्ग के निर्माण करने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए, लेकिन बजट का रोना रोते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने इस रास्ते का निर्माण करने से साफ मना कर दिया, जिससे परेशान ग्रामीणों ने स्वयं ही रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों के इस जुनून को देख शुगर मिल के ईडी भी आ गया है और अपना 7 दिन का वेतन रास्ता बनाने में दिया। कृषकों की ये मांग थी कि वहाँ पे भुलावाला से सत्यवाला मार्ग को जोड़ने के लिए एक सुसुआ नदी पड़ती है, वहाँ से विगत वर्षों में लोग किसान गन्ना लेके आते थे, परंतु इस बार कतिपय कारणों की वजह से वहाँ पे मार्ग का सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाया, जिससे कि वहाँ के किसानों में दिक्कत आ रही थी। तो ये समस्या लगातार मेरे पास जनप्रतिनिधि के माध्यम से और मीडिया पर्सन्स के माध्यम से, कृषक गणों के माध्यम से आ रही थी। तो मैंने आज वहाँ का निरीक्षण किया और उसको ठीक कराने के लिए मैंने 1 सप्ताह का वेतन देने का फैसला लिया है और 1 सप्ताह के वेतन से उसका निर्माण हो जाएगा और क्षेत्रवासियों में इस बात के लिए खुशी की लहर है, यही मेरे लिए संतोष की बात है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।